इन में आप ध्यान दें तो सी के लेंथ सबसे छोटी है और डी की लेंथ इन तीनों में सबसे ज्यादा है Means ये तीन तरह के पेंडुलम हो गए एक है दो पेंडुलम A और जिसमें इक्वल लेंथ है C की की शॉर्टेस्ट लेंथ है और D की है एंड लॉन्गेस्ट ये काम शुरू करने के पहले एक लॉजिक को समझ लें हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेटेड होता है आप जानते हैं T f होता है, या f is equal to one upon होता है है तो है 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 या यानी अगर तो तो एक important conclusion क्या आएगा कि जितनी ज़्यादा अगर थ्रेड की ज़्यादा है तो ऑसिलेशन में टाइम ज्यादा लगेगा यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी ग्रेटर इफ लेंथ इज ग्रेटर और अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी और अगर ये थ्रेड छोटा है तो टाइम पीरियड कम लगेगा एक ऑसिलेशन में तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी मींस इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम होगा तो इसका टाइम पीरियड मिनिमम होगा यानी सी का टाइम पीरियड मिनिमम होगा और डी का टाइम पीरियड पेंडुलम का मैक्सिमम होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी यानी डी की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगी ये कॉन्क्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना इनके रिलेशन में और तीसरी बात ए और बी दोनों सेम लेंथ के हैं तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी ये लेंथ से रिलेटेड है डेट्स वाई वी हैव टेकन द डिफरेंट लेंथ तो पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया तो देखिए कॉन्क्लूजन क्या है पेंडुलम ए एंड बी आर ऑफ द सेम लेंथ पेंडुलम ए और बी दोनों सेम लेंथ के हैं तो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी सेम है तो देर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम पहला पॉइंट तो ये हो गया जो अभी मैंने बोला पेंडुलम डी इज लॉन्गेस्ट इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है तो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी लोएस्ट दैट इज देखिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम है क्योंकि टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है अगर हम पेंडुलम सी की बात करें तो देखिए पेंडुलम सी इज द शॉर्टेस्ट लेंथ सो इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम क्यों मैक्सिमम होगी क्योंकि टाइम पीरियड मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी हाइएस्ट है

अब हम इस ट्यूनिंग इसमें ये जो पेंडुलम है ए इसको वाइब्रेट करके हिला देंगे जब हम इसको वाइब्रेशन देंगे ए, ए वाइब्रेशन, तो इसकी एनर्जी ट्रांसफर होगी क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेशन इन सब में पहुंच जाएंगे सी बी और डी में और अलोंग विद ए सी बी और डी ये भी वाइब्रेट करने लगेंगे अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इसमें एक ध्यान से समझने की बात है कि इनमें ऑब्जर्वेशन हमारे क्या क्या होंगे इन रिलेशन टू देयर वाइब्रेशन तो देखिए तीन तरह की चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं. वेन द पेंडुलम एज सेट इन टू वाइब्रेशन पहली चीज आप देखेंगे सबसे पहले ए के रिलेशन में अगर बी को देखेंगे हम तो हम देखेंगे कि जैसे ही ए ने वाइब्रेशन शुरू करे तो बी के वाइब्रेशन जो शुरू होंगे, वो हल्के 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 इंक्रीज होम्प्लीट्यूड ऑफ बी थोड़ी देर बाद इंक्रीज होते होते बिल्कुल उतना ही हो जाएगा जितना कि ए था ए का था यानी कि थोड़ी देर बाद वाइब्रेशन के फ्यू सेकंड्स बाद ए एंड बी बोथ विल एक्वायर द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ़ वाइब्रेशन इनकी लेंथ तो है इक्वल तो पेंडुलम बी आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड इट एक्वायर द सेम एम्पलीट्यूड एज दॉट ऑफ द ए आफ्टर फ्यू सेकेंड एंड कम्स अंडर द रेजोनेंस और रेजोनेंस में आ जाएगा क्योंकि इनकी मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इन एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन में एक बड़ी टिपिकल बात है जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखिए वही चीज आएगी वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम बी आर इन से वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम ए इसका क्या मतलब वाइब्रेशन जो है उनका जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड ऑफ द बी एंड ए आर इन सेम आर इन फेज फेज का मतलब क्या है इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में दूसरा पॉइंट हो गया पर ये फेज में है तो पहली चीज आई कि बी एक्वायर करेगा सेम एम्पलीट्यूड एज डेट ऑफ द ए और वो वाइब्रेशन शुरू कर देगा और वो रेजोनेंस में आएगा निश्चित हो गया बी के रिलेशन में ए दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रेजोनेंस में आ जाएंगे यानी बी रेजोनेंस में आ जाएगा ए के साथ अब दूसरी बात हमने बोली कि दोनों फेज में होंगे ए और बी से एम्पलीट्यूड का रिलेशन उनका फेज में होगा कैसे होगा अभी डिस्कस होगा है तीसरी बात आएगी सी और डी दे आर नॉट वाइब्रेशन शो करते रहेंगे तो पेंडुलम और C भी वाइब्रेट करेंगे एम्पलीट्यूड तो आइए अब इसका रीजन समझे कि ऐसा कैसे हो गया ये रेजोनेंस क्यों बी के बीच में होगा तो जैसा मैंने अभी आपसे बोला ए और बी सेम फेज में होंगे और इनके बीच में क्या होगा रेजोनेंस होगा रेजोनेंस क्यों होगा क्योंकि दोनों की सेम लेंथ है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है अब ये सेम फेस का क्या मतलब है इसको समझें पहले इसको समझ लीजिए और फिर आपको यहां जो लिखा हुआ है इसका मीनिंगफुल आंसर बता देंगे देखिए जो ये पेंडुलम ए है इसको जब हमने वाइब्रेशन दिए जैसे ही हम इसको वाइब्रेशन देते हैं तो ये कौन से वाइब्रेशन होंगे सोच के देखिए ये फोर्स वाइब्रेशन होंगे

मैक्सिमम पोजीशन पे यहां आने लगा ये आ गया तो ये एम्प्लीट्यूड इसका ज्यादा हो गया ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ गया मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड पे कोई प्रॉब्लम नहीं अब ये जो फोर्स वाइब्रेशन थे ये वाइब्रेशन ट्रांसफर हो गए सी में बी में डी में तीनों में फोर्स वाइब्रेशन चले गए और तीनों इन द स्टेट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन आ गए अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं क्योंकि बी क्योंकि सी और डी लेंथ अलग-अलग तो ये सिर्फ फोर्स वाइब्रेशन में ही रहेंगे ये रेजोनेंस में नहीं आएंगे क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो सी और डी सिर्फ वाइब्रेशन में ही रहते हैं डी भी तो फोर्स वाइब्रेशन में था लेकिन ये रेजोनेंस में आ जाता है और सेम और फेज में आ जाता है क्या मतलब जब ये ट्रांसफर हुए वाइब्रेशन और इसमें फोर्स वाइब्रेशन आए और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया तो इसकी एनर्जी B में भी ट्रांसफर हुई यानी B में भी फोर्स वाइब्रेशन आए और B ने भी अपने वाइब्रेशन को इंक्रीज करना शुरू किया अब देखिए क्या हुआ सपोज ये एक फिंगर है मेरी ये पेंडुलम ए है ये दूसरी फिंगर है ये पेंडुलम बी है तो जैसे ही हमने पेंडुलम ए को वाइब्रेशन दी है एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया और इस पेंडुलम की एनर्जी बी में भी ट्रांसफर हो गई तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है क्या होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है अब ये अपने मैक्सिमम पे है और ये मिनिमम पे है अब ये हल्के हल्के बढ़ना शुरू करेगा बी दूसरी तरफ जैसे ही ये बी दूसरी तरफ जाएगा तो ये वापस आएगा यानी पेंडुलम ए का एम्प्लीट्यूड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा फिर पेंडुलम बी का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो पेंडुलम ए का इंक्रीज होगा मीन्स एक सिचुएशन ऐसी होगी कि ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं तो एक का इंक्रीज होगा ये कैसे होगा जब एक का इंक्रीज होगा पेंडुलम तो दूसरे का डिक्रीज होगा यानी जिस सिचुएशन में पेंडुलम ए मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड पे होता है उस सिचुएशन में पेंडुलम बी मिनिमम एम्प्लीट्यूड पे होता है इस चीज को हम कहते हैं दे आर इन फेज और दोनों की वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होने के कारण बी पेंडुलम इन रेजोनेंस आ जाता है A के तो देखिए क्या स्टेटमेंट है पेंडुलम ए एन बी आर इन फेज पॉइंट वन आर इन फेज इज़ द वाइब्रेशन ऑफ बी आर इन फेज विद द वाइब्रेशन ऑफ ए ओके ऐसे भी लिख सकते हैं मीन्स दे रीच दे आर एक्सट्रीम पोजिशन ऑन आइदर साइड दे रीच दे आर एक्सट्रीम पोजिशन ऑन आइदर साइड साइमल्टेनियसली अभी मैंने बोला ना ये पेंडुलम ए यहां पे पहुंच चुका था अब जब ये वापस आ आन... वापस आने लगेगा तो ये वापस दूसरी तरफ जाने लगेगा यानी ये एक्सट्रीम से इधर को आएगा और वो एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पे साइमल्टेनियसली ऑन आइदर साइड जाएंगे ना ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक तरफ चले जाएंगे वो ऑपोजिट जा रहे हैं साइमल्टेनियसली एक्सट्रीम की तरफ है और फिर हल्के हल्के एनर्जी का चेंज होता है तो एक की एनर्जी डिक्रीज होगी तो दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हो इंक्रीज हो जाएगी तो देखिए व्हेन द वाइब्रेशंस आर गिवन टू द पेंडुलम ए these are the force vibration and these are communicated to b c and d Tino mein communicate okay to hence pendulum c and d come in the state of force vibration or a force vibration while a B, mein hua? While pendulum b come in a state of resonance They come in a state of resonance b is myaga resonance mein because of the same length as that of the pendulum A. and having सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी जैसा मैंने भी आपसे बोला सेम लेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के कारण वो रेजोनेंस में आ गया तो उससे क्या हुआ देयर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन दम देखिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी हुआ और इस सिचुएशन में अगर ए का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था तो उस समय पे बी का मिनिमम था अब हल्के हल्के एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो ए का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लगा तो बी का एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा एंड वाईसी वर्सा स जब बी का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ए का मिनिमम है एंड उसका उल्टा भी हो सकता है और इस तरह से इसमें वाइब्रेशन होते हैं जो हम कहते हैं कि पेंडुलम एंड बी आर इन फेज और ये एग्जाम्पल हो गया रेजोनेंस इन पेंडुलम